हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग एक बार फिर से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाना था और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी प्रमुख तीन योजनाओं के बारे में। ठीक है, टोटल बरनी पांच योजनाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने उसकी तीन योजनाओं के विषय में चर्चा की थी, जिसमें से पहली थी उसके द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया था, और दूसरी थी उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, और तीसरी खुरासान अभियान। ठीक है, तो इन तीन योजनाओं के विषय में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे की प्रमुख दो योजनाओं के बारे में और साथ ही साथ उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उसका अभियान था बच्चों, वो था कराची अभियान। ठीक है, यानी कि आज का पहला और वैसे चौथा अभियान था। ठीक है, इसमें अब कराचिल का मतलब क्या था? कराचिल एक क्षेत्र था जो कि कुमाऊं गढ़वाल से जोड़ा जाता है, उत्तराखंड हिमाचल के आधुनिक क्षेत्र, जो आधुनिक काल की अगर हम बात करें इस प्रेजेंट टाइम की, तो इस समय जो उत्तराखंड और हिमाचल का एक तरह से भाग कह सकते हैं कि रहा होगा कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, जो कि एक पर्वतीय इलाका था। बात ये थी कि अब इतनी बड़ी सेना बना ली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने और एक साल का उनको वेतन भी दे दिया था, तो इसकी वजह से अब क्या किया जाए? तो उसने ये सोचा कि चलो ये कराचिल का अभियान जो है उसको कर लेते हैं और वहाँ पर उसको जीतने का प्रयास करते हैं, इस सेना का कुछ उपयोग किया जाए, और इसी वजह से ये उसकी अगली योजना जो है कराचिल अभियान हो गई। लेकिन ये एक पर्वतीय इलाका था, इसलिए इसको जीतना जो है उसके सैनिकों को भारी पड़ गया, क्योंकि वो इस पर्वतीय इलाके में युद्ध के लिए इतने अभ्यस्त नहीं थे, और दूसरी बात जो है वहाँ की वर्षा और जो मौसम था वो बर्दाश्त न करने की वजह से उनको कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। तो ये अभियान भी कुछ मैदानी इलाकों को छोड़ करके, जो तराई के मैदान क्षेत्र थे उनको छोड़ करके, बाकी ये अभियान भी इसका असफल रहा था। तो यानी कि जो भी वो अभियान करता है अंततोगत्ता उसको असफलता प्राप्त होती है, इसीलिए उसको दुर्भाग्यशाली भी शासक कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, नेक्स्ट है उसको जो अंतिम पांचवी योजना हम लोगों को पढ़नी है, वो है दोआब में भू राजस्व में कर प्रति। अब इतनी जब आर्थिक मार पड़ेगी तो सरकार की क्या हालत होगी आप बताओ, है ना? उसको बहुत सारे कोष जो है सरकार का या शासक का वो बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो यही करेगा कि टैक्स लगाएगा, क्योंकि टैक्स से ही उसकी इनकम होगी, तो इसलिए वो जो है अब टैक्स कहाँ लगाए ये भी एक सोचने का विषय था। तो उस समय जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र आप लोग समझ रहे होंगे जो गंगा यमुना के बीच का मैदान है, वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, इसीलिए उसी क्षेत्र पर उसने जो है कर बढ़ाने का प्रयास किया और उसी क्षेत्र में उसने टैक्स में वृद्धि की। टैक्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी उसने, 1/10 से 1/20 की थी। ठीक है, कितनी की थी? 1/10 से 1/20। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा टैक्स बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन किस्मत उसी वर्ष फिर से अकाल पड़ जाता है, उसी वर्ष जो है वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, और जिसके कारण उसकी यह योजना असफल हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा इसमें शक्ति रखता है और टैक्स वसूली का कार्य जारी रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, अपनी खड़ी फसल जला दे रहे थे। ठीक है, कि हम फसल जला देंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे, इतना जिद में आ गए थे, क्योंकि उनको ये ज़बरदस्ती लग रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आज के समय में भी हो, जनता इतना कोस खाली है, ये सब चीज़ें कहाँ इतना उनको मतलब रहता है ना? अगर उनकी जेब से जा रहा है तो उनको ये लगता है सरकार बड़ा सब छीने ले रही, बड़ी महंगाई है, सब कर रही है ना? तो इसी प्रकार का विरोध जो है खड़ा हो गया था, और अंततोगत्ता सीधी सीधी बात यही कहा जा सकता है कि एक तरह से ये योजना असफल रही थी, क्योंकि अकाल भी छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था। खुद मोहम्मद बिन तुगलक को
दिल्ली छोड़ करके कन्नौज के निकट स्वर्ग द्वारी नामक स्थान पर 2.5 वर्ष व्यतीत करने पड़े थे सिर्फ इसी अकाल की वजह से, क्योंकि इस अकाल की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो फैल रही थी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, और इसी वजह से उसको वहां से जाना पड़ा था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जो कन्नौज के स्वर्ग द्वारी पर निवास करता था, या इस तरह से पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के द्वारा पड़े अकाल के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ निवास किया। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन स्वर्ग द्वारी होगा जो कि कन्नौज के निकट था, और इसी के द्वारा इसका निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, तो ये था पूरा इसके समय का प्रमुख 5 योजनाएँ 1335 से 1351 तक का। अब हम समय थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, अभी तक क्या था 1325 से 1335 जो 10 वर्षों का काल था वो इसकी इन प्रमुख योजनाओं का काल था जिनमें वो लगभग असफल रहा था। इसके बाद से फिर क्या होता है कि 35 से 51 के बीच जो पूरा उसका काल है वो विद्रोहों का काल हो जाता है, और चारों तरफ विद्रोह हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस समय विद्रोह होते हैं वो होते हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में नए स्वतंत्र राज्यों का इसी के समय उदय जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे उनमें से सबसे पहला जो था वो था मदुरई जो स्वतंत्र होता है, और दूसरा था विजयनगर, और अंत में बहमनी। ठीक है, जिसमें विजयनगर और बहमनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, इन दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। वहीं पर बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी, और इन बहमनी जैसे राज्यों को स्वतंत्र कराने में जो उसके मुस्लिम थे देवगिरी के प्रमुख अमीर थे, वहाँ पर उसने 100 गांवों पर एक अमीर ए सादा, ठीक है, 100 गांवों पर एक अमीर ए सादा, नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और इन्हीं अमीर सादाओं की मदद से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कह सकते हैं अमीर वर्ग के लोगों ने विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए थे और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। ठीक है, और इन्हीं विद्रोहों को दमन करते करते मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1351 में सिंध के विद्रोह का दमन कर रहा था, और उसी दमन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में। इसमें जब इतनी स्थिति खराब हो गई, वो धर्म के अनुसार कार्य भी नहीं करता था, तो उसको लगा कि अब लोगों का समर्थन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। तो राजनीतिक दृष्टि उसने सोचा कि क्यों ना खलीफा से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, और उसके अनुमोदन प्राप्त करने से हो सकता है कि जनता में थोड़ा सा विद्रोह की भावना कम हो जाए। इसलिए उसने क्या किया कि मिस्र के अब्बासी अली खलीफा से अनुमोदन प्राप्त किया और खुतबे में उसका नाम अंकित कराया। साथ में खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली में भी ला करके उनको सम्मानित किया और यहाँ पर बसाया, जो कि उस समय बड़े ही गरीब अवस्था में हो गए थे। ठीक है, उस समय खलीफा जो है बड़े गरीब हालात में जी रहे थे, हलाकू ने जिस समय से उनकी हत्या कर दी थी अंतिम खलीफा की, तो स्थितियां जो हैं अब बहुत अच्छी नहीं रहने लगी थी। उसके बाद खिलाफत जो है वो दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन उसने पुराने जो मिस्र के खलीफा थे उनको ढूंढ करके उनसे अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, जब इतना बड़ा अकाल पड़ा तो किसानों के अवश्य रूप से बहुत बुरी हालत हो गई होगी, और इसी वजह से उनके हालात में सुधार करने के लिए उसने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम रखा दीवाने अमीरे को ही। ठीक है, तो ये किस प्रकार का विभाग था, एक कृषि विभाग था जो किसानों को तकावी उस समय ऋण को बोलते थे, जिस तरह से आज बैंकें क्या करती हैं किसानों को ऋण प्रदान करती हैं सरकार की तरफ से, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो उसी प्रकार से उसने भी जो है क्या किया था, किसानों को ऋण मुहैया कराना प्रारंभ करा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए अकाल संहिता का निर्माण कराया, और ऐसा करवाने वाला वो पहला सुल्तान था। ठीक है, तो जिस पॉइंट में आ जाए कि वो ऐसा करने वाला पहला था या अंतिम था, तो वो आपको आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से
इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे पॉइंट्स को याद रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक के समय हम लोगों ने क्या देखा था कि नहर द्वारा सिंचाई करवाने वाला वो नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक था। ठीक है, उसी प्रकार से अकाल संहिता, क्योंकि इसके समय बहुत बुरा अकाल पड़ा, तो अकाल संहिता का मतलब यह है कि नियम बनाए गए। ठीक है, इस संहिता के अंतर्गत कि अकालों में कि इस तरह से कार्य अकाल पड़ते हैं तो उससे निपटने के लिए क्या कार्य किए जाएंगे, राजकोष बनाए, कोषागार बनाया जाएगा। ठीक है, पहले से इतना स्टॉक रखा जाएगा कि उससे निपटा जा सके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह के कार्य पहले करते थे, लेकिन एक नियम बना देना, ठीक है, तो वो नियम बनाने का कार्य जो है पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उसने उस्र और जकात को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिए थे। ठीक है, उस्र जो है टैक्स था, लैंड रिवेन्यू टैक्स माना जाता था, और जकात जो है मुसलमानों से उनकी संपत्ति का 40वां हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। तो इन करों को छोड़ करके उसने सारे कर जो है समाप्त कर दिए थे। ठीक है, उसने दक्षिण भारत में 100 गांवों पर अमीराने शादा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो मैंने बताया, और इन्हीं की मदद से वो दक्षिण भारतीय राज्य क्या करते थे, विद्रोह किए, और विद्रोह करके उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट हम उसकी कुछ धार्मिक पॉलिसीज़ के बारे में, धार्मिक किस प्रकार से था, धार्मिक रूप से वो, तो उसके विषय में इसामी हमको बताते हैं कि वह पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्यौहारों जैसे होली आदि में भाग लिया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि होली जैसे अभियानों में उसने भाग लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कभी, और साथ ही साथ सहिष्णुता की नीति के चलते जब उसने नगर कोट का अभियान किया तो ज्वालामुखी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ठीक है, वैसे ज़्यादातर सुल्तान क्या होते थे, किसी न किसी जहाँ जाते थे तो कोई प्रसिद्ध मंदिर होता था, तोड़वा दिया, मूर्ति खंडित करा दी, ये सब करा दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह का कार्य जो है नहीं करवाया। अगला था कि उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, तो ये तो खैर कई सारे सुल्तानों ने किया, और वो कार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। ठीक है, अभी हमने हिंदू धर्म की बात करी, अब वहीं उसने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर का भी सम्मान किया था। ठीक है, तो इसलिए ये कहना पड़ेगा कि हिंदू हो जैन हो, ठीक है, तो उसने लगभग सभी धर्मों के प्रति कहीं ना कहीं सहिष्णुता की नीति या सामंजस्य की नीति अपनाने का प्रयास किया था। वो धर्म के अनुसार पर शासन भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरियां कुछ कई बार करवा देती हैं। जब उलेमा वर्ग का इतना वर्चस्व हो तो शासक कितना भी बचना चाहे, बचना जो है कठिन हो जाता है, और यदि उसने इस तरह का प्रयास किया तो उसको अपने शासनकाल के दौरान कई बार इन सभी लोगों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो उसकी जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णुता पर आधारित थी, और वो सभी धर्म के लोगों का ध्यान रखता था। इसके समय की एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, और उसको इसने जो है काजी के पद पर नियुक्त भी किया था तथा 1342 में इसको अपना दूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भी भेजा था। वहाँ से वह अपने देश वापस लौट गया और कभी भारत वापस नहीं आया था। ठीक है, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक थे, और 1351 में सिंध के विद्रोह का दमन करने के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, इस सिंध का भी विद्रोह का दमन करने के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से 1351 तक इसका पूरा शासनकाल रहता है, और इसके बाद फिर से फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पर विराजित होगा, तो जिसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश के दो शासक गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक जो है समाप्त हो गए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।